रमेश रमेश जी क्या करते हैं? वही सब्जी का दुकान है, फुट हम लोग लगाते हैं। फुटकर बिकता है क्या? फुटकर फुटकर कैसे मिलता सब्जी आपको? आड़त से मिलता है, हम लोग आड़त से लेके आते हैं, अपने उसमें 2-4 रुपया किलो लेके बेचा जाता है। क्या रेट चला है सब्जी? इसमें सब महंगा है। वजह क्या है? कितनी खर्चे? वजह क्या है? बरसात है, बरसात में सब्जी सही में कम हो जाता है। कितने में खर्चे, कितने में बेचना है? उसका कोई फिक्स रेट थोड़ी ना है जी। जैसे आज 30 रुपया किलो है, कल 40 रुपया किलो हो जाएगा, मान लीजिए कभी 10 रुपया किलो है। कोई कच्चा सब्जी का रेट नहीं ना है। पहले को महंगाई में, अब को महंगाई में कितना फर्क है? सब्जी में कोई मतलब नहीं है, सब्जी में कोई मतलब महंगाई नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए 200 बिक रहा है, कल ज़्यादा माल आ जाएगा तो 100 रुपये पसली बिकने लगेगा। महंगा वजह क्या है? माल कम है और क्या है, माल कम आ रहा है। बरसात में सब्जी हर जगह खराब हो जाता है। मैं अधिवक्ता पंकज पांडे। कहाँ आए हैं सब्जी लेने के लिए? सब्जी चनुआ सट्टी में मैं आया हूँ सब्जी लेने के लिए। महंगाई क्यों है? क्या महंगा है? महंगाई हर सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, पूरी सब्जियाँ महंगी हैं। जो पहले 20 रुपये मिलती थी, आज 50 रुपये के भाव से मिल रही हैं। और ये सीजन आमों का है, जो कि आम आसमान छू रहा है, 70 रुपये 60 रुपये केजी मिल रहा है। सब्जियों में क्या क्या महंगा है? टमाटर, आलू महंगा है, प्याज महंगा है, टमाटर। इस समय हरी सब्जियाँ बिल्कुल महंगी हैं, और आलू कभी भी इससे कम रेट में मिलती थी, आज के डेट में अधिक रेटों पे मिल रही हैं। वजह क्या? वजह महंगाई है, और माल कम आने से मंडी के लोग बताते हैं कि माल कम आ जाने से, बरसात के दिनों से, और आलू की कम यहाँ गिरा कम आने से रेट बढ़ रहा है। मेरा नाम ऋषभ है। कहाँ रहते हैं आप? हम गुरबाग पर रहते हैं, वाराणसी। इसी जिले आए हैं? क्या लेने आए हैं? हम चंदवा सट्टी में आए हैं और सब्जी खरीदने आए हैं। सब्जियाँ में क्या महंगी दिख रही हैं? सब्जियाँ तो इस समय सब महंगी हैं। जैसे कि आप टमाटर से लेके आलू से लेके प्याज सब महंगा हो गया है। जो डेली यूज की सब्जियां हैं वो भी महंगी हो गई हैं। जैसे आपका शिमला है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, जो हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं और जिसके बिना खाना असंभव है, वो चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। पहले रेट बहुत ही नॉमिनल था, हम लोग आके आराम से खरीद लेते थे, लेकिन अब पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हर सब्जी में डबल के करीब समझ लीजिए बढ़ोतरी हो गई है। जो पहले सामान 1 रुपये का था, वो 1.5 रुपये 2 रुपये का बिक रहा है, तो इससे दिक्कतें हो रही हैं। वजह तो भाई सट्टी में आने के बाद मालूम चलती है, बरसात की वजह है। बरसात की वजह से भाई चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, सब्जियाँ नहीं पैदावार सही से हो रही हैं, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। अब बाकी वजह तो भाई सरकार जान सकती है और किसान ही जान सकते हैं। हमारा नाम चिरंजीव कुमार बिंद है। कहाँ दुकान लगाते हैं? दुकान हम चनुआ सट्टी में लगाते हैं, घंटी मिल चौराहे के पास में। सब्जी में क्या अंतर आई है महंगाई की वजह से? महंगाई सर चरम सीमा पर हो गया है। प्याज आलू देख लीजिए, आलू पहले 20 रुपये किलो मिलता था, 25 रुपये किलो मिलता था, अब 40 रुपये किलो हो गया है। और प्याज देख लीजिए, 20 रुपये 25 रुपये किलो था, अब हो गया है 60 रुपये किलो 50 रुपये किलो हो गया है। और परवल हो गया 40 रुपये 50 रुपये किलो हो गया है, जो 20 रुपये किलो मिलता था 15 रुपये किलो तक हो गया था, फिर बाद में महंगा हो गया है बारिश की वजह से। लूक धनिया टमाटर सब चीज़ के महंगाई हो गया है। अदरक देख लीजिए 200 रुपये किलो हो गया है, पहले क्या था 120 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो हो गया है। लहसुन पहले 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो था, अब क्या हो गया है 200-250 रुपये किलो हो गया। धनिया पहले 50-60 रुपये किलो था, अब 100-120 तक हो गया है। टमाटर है देखिए, टमाटर पहले 30-20-15 रुपये किलो बिक रहा था, अब टमाटर हो गया 80-100 रुपये किलो। धनिया तो बता रहे हैं, धनिया 120 रुपये किलो हो गया है। सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? सबसे ज़्यादा महंगा है इस समय टमाटर। टमाटर सीधे 20 रुपये किलो से 80 रुपये किलो 100 रुपये किलो चला गया। पब्लिक से व्यवहार कैसा आपका? पब्लिक सर कहते हैं कि जब हम लोग बेचते हैं तो क्या कहते हैं कि लूट रहे हो। अब हम लोग भाई मजबूरी है, जो आगे से महंगा मिलेगा तो हम महंगा बेचेंगे। महंगा की वजह क्या है? महंगाई की वजह है सर जो टेम्परेचर, कुछ गर्मी की वजह से, कुछ बरसात की वजह से। टेम्परेचर की वजह से माल हुआ नहीं,
पैदावार उतना हुआ नहीं, इसके वजह से खेती में पैदा नहीं हुआ, इसके वजह से महंगाई आई। राजेश कुमार अग्रहरी। सब्जी का रेट क्या चल रहा है, पहले क्या था? पहले कुछ सस्ता था, अब कुछ महंगा हो गया है पानी के बसने की वजह से। क्या क्या महंगा हुआ? भिंडी है, टमाटर है, करेला है, परवल है, आलू है, प्याज है, आलू है, प्याज है, सभी चीज महंगा है। जो है पहले क्या था अब क्या है? पहले कुछ डाउन था, अब थोड़ा पानी बरसने का सब्जी कम हो गया है, एक वजह से महंगा हो गया है। खास क्या क्या है पहले महंगा से अब महंगाई में, खास क्या है रेट में? रेट में पहले प्याज 30 रुपये किलो था, 50 रुपये किलो हो गया है। आलू पहले 20-25 रुपये किलो था, वो 35-40 रुपये किलो हो गया है। टमाटर 80 रुपये किलो हो गया, 100 रुपये किलो हो गया है। लहसुन भी 200 रुपये 250 रुपये किलो लहसुन हो गया है। अदरक भी 200 रुपये किलो हो गया है। धनिया भी 150 रुपये किलो हो गया है। टमाटर सब महंगा है। शिमला मिर्चा तो भी महंगा है, 120 रुपये किलो। जी हाँ। क्या नाम आपका? राजा सुनकर। राजी, सब्जी क्या क्या महंगा है और वजह क्या है पहले रेट और आपके रेट में क्या फर्क है? वजह तो यही है, पहले सब्जी जितना सस्ता थे अब तो महंगा हो चुके हैं। अब जो है खाने वाले अब थोड़ा सोचते हैं अब पहले से कि सब्जी इतना महंगा होने पे क्या करना चाहिए। जैसे देखिए आप, परवल हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, नेनुआ हो गया, पहले ये सब 20-25 रुपये किलो थे, आज के डेट में 40-60 रुपये किलो है। कस्टमर सोचते हैं कि इतना महंगा कैसे हुआ। इसकी वजह यही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इतना महंगा क्यों हुआ। गर्मी इतना पड़ने की वजह से, बरसात की वजह से, लू की वजह से सब्जियां गल चुकी हैं, इसकी वजह से प्रभावी महंगा हो चुका है। पहले के महंगाई में अब के महंगाई में क्या क्या फर्क दिखता है? अरे पहले तो बहुत सस्ता था तो लोग खा लेते थे, अब तो इतना महंगा हो गया, एक बार एक किलो ले जाने से पहले पावर भी सोचते हैं कि अब इतने में होगा कि नहीं होगा। महंगाई क्या क्या है? जैसे महंगा में आपका शिमला हो गया, गाजर हो गया, ये सब हो गया, हरी सब्जियां हो गई, सारे आलू प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये सब को लेते हुए समृद्धिक में वही है। पसंदों से कैसे व्यवहार किया? अरे कैसे व्यवहार किया जाए उसको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो कस्टमर मानते तो लेते हैं, नहीं वो भी नहीं मानते हैं। कितना दिक्कत होती होगी दुकानदारी करने? अरे बहुत दिक्कत होती है, जो दुकानदारी लोग पहले बेच के थोड़ा देर में खाली हो जाते थे, अब तो रात जाने सुबह 2 बजे से आएंगे तब दिन बीत जाता है, कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलता। यहीं पे रहती हूँ, सोनिया की निवासी हूँ, बनारस में। मेरा नाम सोनी सिंह है और सब्जियाँ तो इस समय इतनी महंगी हो गई है कि आदमी होलसेल के मंडी में भी आ रहा है तो इतनी महंगी कि आदमी खरीद नहीं पा रहा है। देखिए आलू इतनी महंगी है कि आलू आदमी सोचता है कि आलू की सब्जी बना ले तो वो भी इतनी महंगी है। परवल इतनी 80-100 ऐसे करके, तो टमाटर की भाव देख ही रहा है 100 रुपये किलो, जो कि क्या कहते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत ही समस्याएं हैं लेडीज़ों के लिए कि सब्जियां कैसे खरीदें, कैसे घर का किचन का मेंटेन करें, ये सारी समस्याएं हैं। खास क्या महंगी पहले से और अब में? देखिए जहां पहले आलू 20 रुपए किलो मिलता था अभी 40 है, 35 है, और टमाटर है जो कि आदमी 100 रुपये किलो तक आ गई है। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो उनकी सेवा होती है, टमाटर, प्याज, धनिया। हाँ, ये एक समझ लीजिए गरीब परिवार का जो भोजन है वो भी अब छीन रहा है जैसे लग रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है कि इतनी महंगी हो गई हैं सामाने, और हो सकता है कि जो बरसात के कारण हो सकता है ये सब सारी समस्याएं हैं। मेरा नाम गोलू सोनकर है। गोलू जी क्या करते हैं आप? मैं सब्जी बेचता हूँ। कहाँ बेचते हैं? मैं लक्सा बेचता हूँ। कहाँ पर आए हैं आप? मैं चनुआ में हूँ। क्या करने आए? सब्जी लेने आया हूँ। सब्जी क्या चल रहा है? सब्जी इसलिए महंगा है, सब्जी महंगा है इसलिए कि बरसात के वजह से सब्जी इसलिए महंगा है कि किसानों को बड़ी नुकसान हुआ है। किसाने का नुकसान हुआ तो यहाँ जो सब्जी आ रहा है, तो जब उनका नुकसान हुआ तो पैसा निकलेगा उसका, तब जाके यहाँ महंगा बेच रहे हैं, उनका पैसा निकल जाएगा तो उसके बाद महंगाई कम हो जाएगा। क्या क्या महंगा है सब्जी में? तो बहुत कुछ महंगा है यहाँ पे।
गोभी पत्ता है, शिमला है, कुल बोड़ा है, बीन्स है, गाजर है, बैगन है, हर चीज़ महंगा है। आलू तक भी महंगा हो गया, 40 रुपये किलो लाल आलू बिक रहा है। माल बाहर का आ रहा है एकदम, और जो किसानी एकदम सौदा है, एकदम सोच लीजिए किसान का सौदा एकदम खराब हो चुका है। ये जो आ रहा है बाहर से, जो स्टोर कर रखा है सब्जी, वही आ रहा है इसमें। पब्लिक से और आपके बीच में संबंध कैसा बन रहा है? मेरा संबंध यही है पब्लिक से, कि मेरा कहने का उचित यही है कि जो ये सब्जी का लोकेशन जो इतना टाइट चल रहा है, तो हम कहना चाह रहा हूँ कि जो ये सब्जी है इतना महंगा, अब ये जो बरसात पूरा जब ले नहीं बीतेगा तब तक सब्जी सस्ता नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो इतना पानी की वजह से और धूप जो इतना चला, इसलिए जल गया सब्जी पूरा धूप की वजह से। अब पहला नंबर इसमें धूप की वजह से जो जला, एक किसान परेशान हो गए, और उसके बाद तब बरसात आ गया। बरसात में भी खेती बाड़ी में तो जाएंगे नहीं, पानी से एकदम डूब गया है सब्जी। जो पब्लिक आपसे सब्जियां खरीदती हैं जी, पब्लिक जो सब्जियां आपसे खरीदती हैं जी, पब्लिक के बीच में आपका व्यवहार कैसा होता है, क्या बताते हैं? मेरा व्यवहार तो ये भी है, जो जैसा कार्यक्रम चल रहा है वही है, मान सम्मान उनका हमारा। जैसे सब्जी हम बेच रहे हैं प्यार से, महंगा है तब वो खा रहे हैं, सस्ता था तब वो खा रहे हैं, वो कभी हिचकिचाते नहीं हैं कस्टमर। कितना ले रहे हैं? पहले तो हम ढेर सब्जी जाता था मेरा, एक दो सगड़ी जाता था, अब तो सोच लीजिए एक सगड़ी से भी कम हो गया मेरा सब्जी। होटल भी जाता है बलुघिया, अब तो सब्जी होटल भी जाना बंद कर दिया। सब्जी इतना महंगा है कि रेस्टोरेंट भी बंद हो जा रहा है महंगाई की वजह से। क्या नाम है आपका? जवाहर जायसवाल। जवाहर जी, कहाँ आप आए हैं, क्या लेने आए हैं? सब्जी लेने आए हैं। क्या है सब्जी में समय दे? सब्जी का भाव आसमान पे है, जो आदमी तीन बार सब्जी खाता रहा वो कई बार खा के काम चला रहा है। आलू महंगा है, प्याज महंगा है, टमाटर महंगा है, हर चीज़ तो महंगा है सब्जी में। वजह क्या है? वजह जमाखोरी है, महंगाई है, बरसात है, यही वजह है। आलू इतना तेज भाग गया कि आज तक आलू इतना रेट कभी गया नहीं रहा। मूल रूप से क्या क्या महंगा है? सारे सब्जी महंगा है, सारे सब्जी। अरे आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, जो जनता का मुख्य भोजन है आलू है सबसे ज़्यादा है। धनिया में हर चीज़ सब्जी में हर आइटम महंगा है। बोड़ा 200 रुपया किलो बिक रहा है, जो बोड़ा कोई खाता नहीं है जल्दी, क्या किया जाए?